दोस्तों, मछलियाँ जल की रानी होती हैं क्योंकि उन्हें बहुत साफ दिखाई देता है पानी में, और दिखाई भी क्यों न दे, क्योंकि वह उनका घर है और सदियों से उन्होंने यह हुनर अपने अंदर विकसित किया है। पर क्या आपने कभी देखा है कि इंसान के कुछ बच्चों में यह हुनर है जो पानी में एकदम मछलियों के जैसा साफ देख सकते हैं? पानी में रहने वाले जानवरों की आँखें तो इसके लिए अपने अंदर ज़रूरी बदलाव कर लेती हैं, लेकिन इंसान के लिए ये बेहद मुश्किल होता है। मगर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया में कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके बच्चे पानी के अंदर ठीक वैसा ही देख पाते हैं जैसे डॉल्फिन या व्हेल। तो चलिए ऐसे लोगों से आपको मिलाते हैं। पूर्वी एशिया देश थाईलैंड में अंडमान सागर के करीब कुछ छोटे छोटे जजीरे हैं। इन्हीं पर रहते हैं घूमतू किस्म के कुछ आदिवासी। इन आदिवासियों को मोकेन के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड के इन बंजारों के बच्चों में पानी के भीतर साफ साफ देखने की गैर मामूली ताकत दिखाई देती है। स्वीडन की यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एना गिजलेन इंसान के आँखों को लेकर रिसर्च कर रही थी, जब उन्होंने इन आदिवासियों के बच्चों की इस खूबी के बारे में पता चला तो वो फौरन थाईलैंड पहुँच गई। वहाँ समुद्र के किनारे रहने वाले इन समुद्री बंजारों के बच्चों को देखकर वो हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि मोकेन आदिवासी के बच्चे समंदर के अंदर आराम से वक्त बिता रहे हैं। जिस पानी में देखना आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं, उसमें जाकर ये बच्चे आराम से खाना खोज लाते हैं, जैसे मछलियाँ, केकड़े और समंदर की सतह पर उगने वाले पौधे वगैरह। पहले तो ऐना को इन आदिवासी बच्चों के दावों पर यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब आजमाई। ऐना ने मोकेन आदिवासी बच्चों को पानी के अंदर जाकर एक तख्ते पर अपने सर रखकर पानी के अंदर से बाहर कुछ कार्ड देखने को कहा। इनमें उन्होंने लाइनें खींची हुई थी। बच्चों को बाहर आके बताना था कि ये लाइनें किस दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं। हर बार के गोते के साथ ही वो इन लकीरों को पतला कर जाती थी ताकि बच्चों को पानी के अंदर से देखना उन्हें और भी मुश्किल हो जाए। मगर ऐना ये देखकर हैरान रह गई कि बच्चों ने हर बार लकीरों को सही बताया। अब ऐना ने इन बच्चों की पानी में देखने की इस ताकत की वजह पता लगाने की ठान ली। इंसान को देखने के लिए अपने रेटिना यानी आँख के पीछे के पर्दे पर पड़ने वाली रोशनी का रुख मोड़ना होता है। इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी की किरणों को इलेक्ट्रिक संदेश में बदल करके दिमाग में भेजती हैं, तब हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। आँखों में पड़ने वाली रोशनी का रुख इसलिए भी बदल जाता है कि हमारी आँखों की पुतली की हिफाजत करने वाली सफ़ेद पर्दे या कॉर्निया में पानी होता है। जब हमारी आँखें पानी में डूबती हैं तो कॉर्निया आँखों के अंदर आने वाली रोशनी का मुख मोड़ नहीं पाता, इसी वजह से पानी के भीतर हमें धुंधला दिखाई देता है। ऐना को लगा कि पानी के भीतर साफ देखने के लिए मोकेन आदिवासी बच्चों की आँखों में या तो कुछ कुदरती बदलाव हुए हैं या उनकी आँखों से काम करने का तरीका बदल दिया है। ऐना को लगा कि अगर बच्चों की आँखों में पानी के भीतर देखने के लिए उनकी बुनियादी बनावट बदल गई है तो फिर वो पानी के बाहर साफ नहीं देख पाते। मगर बंजारों के ये बच्चे पानी के बाहर भी साफ देख सकते हैं। अब दूसरी बात आजमाने के लिए ऐना ने इन बच्चों की आँखों को जांचा। पड़ताल में पता चला कि ये आदिवासी बच्चे अपनी आँखों की पुतलियों को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर सकते हैं। यही नहीं, वो अपनी आँखों के लेंस का आकार भी बदल बड़ा और घटा सकते हैं, जो आमतौर पर इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, डॉल्फिन और सील जैसे स्तनपाई समुद्री जानवर जरूर ऐसा कर लेते हैं। तो दोस्तों, है ना, इंसान में भी ज़रूरत के मुताबिक अपने शरीर को ढालने की क्षमता। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि ऐसी अनोखी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।